पत्ता का दाग है, दाना दाग नहीं होगा। 1.25 किलो है, 160 रुपया किलो बेचे, देख लीजिए, दागने वाला काम नहीं जो आपका सामने में। 160 रुपया किलो, 180 रुपया किलो सुबह से बेचे, किसी तरह फलता है तो अनाज 1 किलो 600 था। क्लियर करेंगे पहले हम, 50 चोरी में 3000 रुपया कमाएगा। अरे बिजार है बाजार, मेरा भाई चार का जो बैल का बचा था उसको बोले सुबह दुकान खोलने जाके कितना सेल किया तो जाके पता चले। एक बार फोन करके उसको हम पूछे थे जो कितना सेलिंग हुआ, तो 1500 रुपया सेल हुआ और चार कार्टून का अनार था। तो चलना होगा हमको बाजार, वो खाना खाने के आएगा घर, तो हम चलते फिलहाल बाजार। और छोटा वाला नहीं, छोटा वाला तो मेरा सिस्टर का जो स्कूल स्कूल लेके जाता है वो इटो लेके जाएंगे और खाना उना खा लें। और मेरा भाई लोग सबको खा रहा निकल गए बाहर और छाता होता ले लिए, इतना गर्मी है कि पूछिए मत। फाका है एकदम, इतना धूप में कौन निकलेगा बाहर, देख सकते हैं पूरा बस्ती फाका। और हम अभी जा रहे हैं बाजार, क्या करें, जाना ही पड़े। तो भाई अभी आ चुके हैं मार्केट और हम आ करके अभी अराई को अनार बेचे हैं। मेरे भाई सुबह से बेचा, कितना बेचा गिने नहीं, अभी गिनेंगे थोड़ा देर शाम को, फिर जब मार्जिन को पेमेंट देंगे तब। और ये आज का अनार फिर ज़्यादा ही दागी नहीं है, देखते कस्टमर छुटता आता है, यही माल है और कुछ ज़्यादा या दागी निकल गया है, निकाला इतना दागिया ना था। देखो लो 2 किलो अनार दागिए, अब मेरा पड़ोसी फोन में बिजी है और वहाँ पर देख रहे सैलून के पास आपको दिखाई देता होगा एक आदमी और भी अनार का दुकान खोला, वो पहले से फिलहाल बीच में घर चला गया था और अभी हाल फिलहाल में आया कल, एकदम पूरा मोटा मोटा लाल पूरा होता। बोले भाई नहीं थी बोले तो आपको 160 रुपये, आप 150 बोल के चले गए, पोसान से कोई डाक फिर बुला दे, ऐसे दाना लाल है पूरा। कितना लीजिए, 1 किलो, आधा किलो, 1 किलो लीजिए, 300 दिए मीडियम से हो जाए। हाँ बिना 180 ले दोस्तों, अभी हो गया शाम का 5 और मेरा इतना अनार बच गया, सुबह से 4 कटो अनार लेते हैं, इतना बचा है। 180 रुपये लिए, पूरा लाल दाना होगा मीठा होगा, 180 रुपये, हाँ इतना लीजिएगा, 160 में नहीं दे पाए, दाम ज़्यादा है ना, क्या करें। सुबह से भेजे आपका ये सब अनार 200 रुपये किलो, अभी 180 रुपये लेंगे। तो दोस्तों अभी शाम का हो गया 6:30 और मेरा इतना अनार बच गया बट, और ये सब दागी सब जो सोचे सलटा देंगे मगर कोई बेटा नहीं, यहाँ 1 किलो है, यहाँ पर 1 किलो है, ताकि से ख़त्म नहीं हुआ। और ये सब 4 कार्टून अनार में शाम लग गया बेचने में, आधा बेला हम थे आधा बेला मेरा भाई था, हम आके थोड़ा कुछ बेचे हैं, मेरा भाई तो वो भी नहीं बेचा था और उसका अनार भी जैसे का तैसे ही है। यार क्या जो बोल रहा है ग्राहक को भाग जाता है, कहाँ का क्या बोल दो ग्राहक को, कल को बेच रहे थे 220-200 रुपया तो कस्टमर भाग नहीं रहा था, हाँ 160 बेच रहे थे उल्टा कस्टमर, ऐसा क्या 160 में ग्राहक भाग रहा है, उल्टा उल्टा ग्राहक 140 बोले ग्राहक को तब नहीं भागेगा क्या दोस्त। मैं भी कस्टमर भागे क्या करोगे, आज मेन बात है पूजा लेता है उसको तो पता है क्या रेट क्या है, लेकिन जो पूजा देके आया है तो जानता है कि 120 रुपये किलो, कस्टमर को लग रहा है जो आज पूजा बोल के ज्यादा रेट है वही ना, कन्फ्यूजन में कस्टमर आज पूजा बोल के ज्यादा रेट है, मगर ऐसा कुछ नहीं, 15-20 दिन से 200-220 रुपये बेच रहे हैं और हम सोचे इसको सलटा दे 140 में भी दे देंगे गच्छ, पहला 180 रुपये लिए, कम नहीं 170 रुपये दे लिए, कितना लीजिएगा। तो अभी तो मैडम आया उसको 2 किलो 1.5 किलो अनार दिए, 160 रुपये करके 240 रुपये कर लिया, अब तो हल्का हुआ देख सकते हैं। तो अभी जान बचा वो अपना तब कान में 150-150 चिल्ला रहा था, अब 160-180 बोले पे आ गया महाजन पैसा लेने के लिए, देख सकते हैं आपका कितना पेमेंट था मेरा, 3100 है, 3100 आप पकड़िए, 3000 रुपये यहाँ रखे गिन करके इसको देने के लिए, 3000 रुपये का आज क्लियर हो गया, ठीक है क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, नहीं नहीं वो आप एक नहीं 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 रुपया जमा कीजिए ना, जमा नहीं करो, क्लियर करेंगे पहले आप, नहीं नहीं 50 आज कर देंगे तो आप इसको गिरे खाली पिए, हाँ ठीक है आप उसमें जमा कीजिए ना मेरा खाता में, अच्छा आप 3000 जमा कीजिए, 100 रुपया हम दिलीप से समझ जाएंगे, दिलीप माल हमसे लिए दिल्ली से क्या समझोगे, आप ही कीजिए ना, हम से लोगे दिल्ली से समझना, हम से लोगे हम। और अभी देखिए इतना अनार मेरा बचा हुआ, माल देते हैं इतना माल बचा हुआ, दिल्ली से समझना, हम इतना माल मेरा बचा हुआ, अब कल जाएंगे तो
सुबह में देखते आप इसको जमा कीजिए ना, अभी सुबह गद्दी जाएंगे ना आप एकदम कमाल का एकदम मुझसे जी एक भी रुपया कम नहीं लेता है, क्या करें खान तो क्या हम बहुनी बट्टा किए बहुनी बट्टा किए माल तो ठीक है। कल सुबह जाएंगे अनार है ना, आपका पैसा पेट हुआ नहीं 100 रुपया पाइएगा हिसाब से अभी, अब देखा जाएगा कल सुबह। देख कल जाएंगे अनार लाने के लिए ये महाजन के पास, और मेरा इतना अनार ख़त्म होगा कि नहीं होगा। शाम का हो गया अभी 7, शाम का हो गया 7:30। हाँ लिए सब तो लीजिएगा, 1.25 किलो है लीजिएगा। अच्छा 160 रुपया किलो भैया, 1 खाली डाके बाद बाकी सब सही है। देख यहाँ देख लीजिए 1.25 किलो है, 160 रुपया किलो भेजिए, अभी 150 रुपया रख कर देंगे। यहाँ सब तो 1.25 किलो ये तो दाग है। हाँ हल्का सा दाग है देख लीजिए, काटने वाला काम नहीं जो आपका सामने कम दाम में दे रहे हैं, कम दाम में दे रहे हैं 160 रुपये बेचे सुबह से, 1.25 किलो है खाने। अब इसमें जो बढ़िया है वो तो पूजा के लिए हो जाएगा, बाद बाकी खाने के लिए हो जाएगा। इसमें 2-3 तो बढ़िया जो निकाल लीजिएगा हो गया, नहीं 3 तो बढ़िया है, तो ये तीनों तो बढ़िया है। तीनों तो बढ़िया है, बाद बाकी वो सबसे सर पूजा के लिए हो जाएगा। देखिए ना तो एक बार तो देखिए तो दाम दें, देखिए माल तो देखो ना ये की पड़ेगा 160 रुपया किलो, 180 रुपया किलो सुबह से बेचे, अभी लास्ट बचा हुआ इतना इसलिए कम दाम में दे देंगे। सब तो लिए 160 रुपया पड़ेगा ना, 1.25 किलो है तो 150 दे दिए। अब इतना पेंगे क्या देखें तो दोस्तों फोन 8 हो गया शाम का, सोचे उठो महिला लेगा लेडीज तो मगर लिया नहीं, उधर पूजा के लिए ऐसा बना था आगे नहीं चलेगा। क्या 1.5 किलो है लगभग, 1.25 किलो है अनाज सब तो मिला कर वजन, मगर कोई बेटा है नहीं तो उसको बोले सो 100 रुपया ही बोलता दे दे, 160 रुपया उसको दाम मांगे, अगर 100 रुपया बोलता तो दे दे, मगर बोला ही नहीं कुछ, बोले पूजा के लिए लें लेंगे तो ये सब लेकर फ़ायदा नहीं है। इसमें दागी है अनार, 3 तो अनार बढ़िया है, बाद बाकी सब तो हल्का वल्का दागी है, इसलिए वो लिया नहीं। अब क्या कर 7:45 और कितना वेट करेंगे आप, रख देते कल मिला जुला करके बेचेंगे, आप देखते हैं घर जाके हिसाब करेंगे। मेरा पड़ोसी का भी मोटा मोटी अनार निकल गया है सब, लीजिएगा बेटा वो सब तो लीजिएगा तो 160 रुपये लगेगा, 1.25 किलो है, 1.25 किलो 160 रुपये लेंगे सब का, पूरा लाल है मीठा दाना 160 रुपये किलो बेचें। वो सब पत्ता का दाग है, दाना दाग नहीं होगा, पत्ता का दाग है 160 रुपये किलो, 180 रुपये बेचे, 1.25 किलो है लीजिएगा तो 160 रुपये लेंगे सब का। कितना में दीजिएगा, 120 दीजिए 20। आइए ले लिए ले लिए ले लिए, कर दो ना 15 कर दो ना, क्या करें लॉस करके देना पड़ रहा, ले लिए कस लिए कस दो ना, पकड़ो खोलो 100 रुपया में इतना ना दे ले खत्म। किसी तरह सलटा है अनाज, 1 किलो 600 था, 100 रुपये में देके सलटा दिए, अब आज का आना कहानी खत्म, अब कल लेके आएंगे नया माल, नया दाम, नया रेट, नया दिन, तो देखते हैं अब घर जाके हिसाब करेंगे। और फिलहाल समझते सब अंदर रखे हैं, अभी मेरा पड़ोसी मेरा दरवाजे की समझ रहा है, और शाम का हो गया 7:45 बजा हो गया, कल रात का हो गया 10, अभी फिलहाल हम थोड़ा खाना वाना खा के टहलने के लिए आए इधर रोड का तरफ। और दोस्तों आज 4 कार्टन अनार था, टोटल सेल हो चुका है, और महाजन को पेड कर दिए पैसा, तो पैसा 1% नहीं पाएगा। 10 कार्टन अनार था जो 13,500 रुपये का अनार था, और 2 दिन में सेल हो चुका है, और महाजन को पैसा पेड हो चुका है, तो 2 दिन में मेरा कितना कमाई हुआ, 2 दिन में मेरा 3,000 रुपये कमाई हुआ। और तो दोस्तों अच्छा हुआ, आज संडे था, उम्मीद ना था जो 4 कार्टन अनार सेल हो जाएगा, मगर सेल हो चुका है, तो अभी फिलहाल जा रहे हैं सोने के लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, तो मिलते हैं कल सोमवार है कल का ब्लॉग्स में, तब ले जय हिंद जय।